आम आदमी पार्टी से संगरूर के सांसद भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री बनने जा रहे। कभी पेशे से कॉमेडियन एक्टर रहे भगवंत मान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से मुलाकात की, पंजाब में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत की शुभकामनाएं दी। भगवंत मान ने केजरीवाल से मुलाकात कर उन्हें शपथ ग्रहण समारोह के लिए निमंत्रण भी दिया। शनिवार को भगवंत मान गवर्नर से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और उसके बाद भगवंत मान 16 मार्च को नवांशहर के गांव खटखड़ कला में शहीद आजम भगत सिंह को श्रद्धांजलि देने के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हाँ जी, खटखड़ कला में ओथ लेंगे भगत सिंह जी के गांव में, पैतृक गांव में। और 17 अक्टूबर 1973 को भगवंत मान का जन्म। संगरूर के सतोज गांव में भगवंत मान पैदा हुए। भगवंत मान कॉलेज भी गए लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, 12वीं तक पास है भगवंत मान। एक आपराधिक मामला भी उन पर दर्ज है। कुल संपत्ति 1.97 करोड़ रुपए की। भगवंत मान जाने माने कलाकार और कॉमेडियन रह चुके हैं। राजनीतिक शुरुआत 2012 से 2014 तक पंजाब पीपुल्स पार्टी में रही। 2014 में भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। 2014 के लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में भगवंत मान लगातार 2 बार संगरूर से सांसद बने। भगवंत मान पंजाब में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की जोड़ी यानी 1 और 1 11 की जोड़ी, दोनों की जोड़ी ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की ऐसी सुनामी लाई कि विरोधी खेमे के तमाम नेताओं के किले ध्वस्त हो गए। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने चुनाव में 92 सीटें जीती हैं। कांग्रेस को सिर्फ 18, अकाली दल को 4, बीजेपी को 2 और 1 आजाद के खाते में गई है। आम आदमी पार्टी की इसी सुनामी में पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलावा नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी समेत सुखबीर बादल जैसे बड़े बड़े दिग्गज अपनी सीटें हार गए। पंजाब में जिस 111 दिन के कामकाज पर कांग्रेस चुनावी दम ठोक रही थी उसे पंजाबियों ने ध्वस्त कर दिया। कांग्रेस की इतनी बदतर हालत हुई कि चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीटें हार गए। डिप्टी सीएम ओपी सोनी के अलावा 8 मंत्रियों को हार का मुंह देखना पड़ा। पंजाब की पिछली कैप्टन सरकार में मंत्री रहे 5 मंत्रियों को भी लोगों ने नकार दिया। चरणजीत सिंह चन्नी बदौर और चमकौर साहिब दोनों सीटें हार गए। डिप्टी सीएम ओपी सोनी अमृतसर सेंट्रल सीट हारे। अमरिंदर सिंह पटियाला शहरी सीट से हारे। प्रकाश सिंह बादल लंबी सीट नहीं बचा पाए। सुखबीर सिंह बादल जलालाबाद में हार गए। इस बड़ी हार के बाद सीएम पद से चरणजीत सिंह चन्नी ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। मैं अपना इस्तीफा गवर्नर साहब नु सौंप दिता है। गवर्नर साहब ने नवी सौ चक्कण तक मैं कंटिन्यू करने वास्ते किया है, कैबिनेट नु कंटिन्यू करने वास्ते किया है। सो जो पब्लिक का फैसला आया सानू सिर मथे है, ऐसी उस तहत पंजाब दे लोकां दी सेवा दे विच हाजर रहांगे। जो जनता किसी चुन के भेज देंदी है ना जी, इलेक्ट करके भेज देंदी है और उस तो बाद लोग मालिक बन जाते हैं। हमेशा ये याद रखना चाहिए है डेमोक्रेसी दे विच मालिक जनता होंगी और मालिक इच्छा अनुसार काम करना, बाकी सारे नौकर होंगे, चाहे कोई MLA है, मंत्री है, चाहे कोई अफसर है। लेकिन जो तो नौकर मालिक बन जावे और मालिक नु नौकर बना देवे तो यही हुंदा। चन्नी ने इस्तीफा देने के बाद अपील की है कि उनकी सरकार की योजनाओं को आम आदमी पार्टी बरकरार रखे। आम आदमी पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत मुफ्त बिजली पानी के ऐलान से की थी। 18 साल से ज्यादा की युवतियों और महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने का ऐलान भी पार्टी ने किया था। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में लोगों से बदलाव के नाम पर वोट मांगी। केजरीवाल पंजाब में कई बार चुनावी दौरों पर आए, भगवंत मान को साथ लेकर वोट मांगे और आम आदमी पार्टी का मिशन पंजाब सफल हो गया। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।